हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 10 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। पहला क्वेश्चन आज का अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज़्यादा है। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति 6 और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडोज को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत किस देश के साथ व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु स्थापित करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूटान देश के साथ। व्यापार संपर्क बढ़ाने के उपायों के तहत भारत और भूटान में व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु होंगे। इनमें नागरकाटा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, अगरतला भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, पांडू बंदरगाह, जोगी गोपा बंदरगाह, एशियाई राजमार्ग 48 भारत में तोरसा चाय बागान और भूटान में आहले शामिल है। भारत और भूटान के बीच व्यापार 2014-15 में $484 मिलियन से बढ़कर 2020-21 में $1,083 मिलियन हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वांग यापिंग। बात करें अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग ने अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला की उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। बात करें वे निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकली और 6 घंटे से ज़्यादा समय तक उन्होंने अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया है। चाइना मेन स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि चीन के अंतरिक्ष इतिहास में ऐसा पहली बार था जब एक महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं वांग यापिंग जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्पेस एक्स ने किस देश में सहायक कंपनी का गठन किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया देश में। एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए 1 नवंबर 2021 को भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है। स्पेस एक्स की उपग्रह ब्रॉडबैंड शाखा स्टार लिंक का लक्ष्य दिसंबर 2022 से भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है। इसमें 2 लाख सक्रिय टर्मिनल हैं जो भारत सरकार की अनुमति के अधीन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 168वां स्थान है। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 168वें स्थान के साथ भारत अपने पड़ोसियों से भी बदतर स्थिति में है। भारत के कई शहर इस समय वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट से जूझ रहे हैं। जबकि वायु प्रदूषण सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है या बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी यानी IMEO को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, G20 शिखर सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने G20 शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर कार्रवाई करने के लिए मीथेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई है। इसे यूरोपीय संघ के समर्थन से लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। याहू ने किस देश से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाइना देश से। चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण याहू ने 2 नवंबर 2021 को चीन से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। याहू ने 1 नवंबर 2021 से चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी है। याहू ने यह निर्णय यूजर्स के अधिकारों और एक मुक्त और खुले इंटरनेट के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप लिया है। चलिए चलते हैं, आपको चाइना के बारे में आते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, करेंसी है रेन मिनबी। बात करें नेशनल डे के दो 1 अक्टूबर, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व शहरीकरण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 नवंबर को। विश्व शहरीकरण दिवस जिसे विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो कि जीवन संविधाओं को बनाने में योजना की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेस्तु वर्ष किस राज्य में मनाया जाने वाला एक नया साल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य का। बेस्तु वर्ष या गुजराती नव वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस दिन को पारंपरिक रूप से वर्षा प्रतिपदा या वेस्तु वर्ष के रूप में जाना जाता है। वेस्तु वर्ष भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने प्रारंभिक वर्ष ब्रज में बिताया और भगवान इंद्र को दिए गए प्रसाद के बारे में सवाल उठाए थे। चलिए आपको गुजरात के बारे में बातें हैं, बात करें गुजरात के गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट CM शिवराज नारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 75% आरक्षण वाले। बात करें हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। इस अधिनियम में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा। हालांकि आप पहले यह कोटा 50,000 रुपये तक की मासिक नौकरियों पर था, लेकिन अब इसे घटाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गेहूं फसल में।
नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित नासा के एक नए अध्ययन के अनुसार उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन 2030 तक मक्का और गेहूं के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इस अध्ययन के अनुसार मक्का की फसल की पैदावार में 24% की गिरावट का अनुमान है, जबकि गेहूं में संभावित रूप से लगभग 17% की वृद्धि हो सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। इस नई सुविधा से पेंशन भोगी अपने घरों से वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। SBI के अनुसार यह सुविधा केवल पेंशन भोगियों के लिए उपलब्ध है और यह पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के पति या पत्नी इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पेपरलेस और मुफ्त उपलब्ध है। चलिए आपको SBI के बारे में बताते हैं। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर को। हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच रेडियोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाता है। रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट स्वास्थ्य सेवा में एक अहम भूमिका निभाता है या रोगियों की देखभाल करने में सहायता करता है। एक्सरे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खोजने में सहायता करती है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेल मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में फ्लिपकार्ट कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। RBI द्वारा PCA फ्रेमवर्क सबसे पहले दिसंबर 2002 में पेश किया गया था। स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत संजय भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम से आदि शंकराचार्य गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। वेस्टइंडीज के डेन ब्रावो ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बात करें हाल ही में खबरों में, नई मंदाकिनी नदी मध्य प्रदेश राज्य से शुरू होती है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य ने। क्वेश्चन टू था, किस देश ने 5 से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया
किया है। क्वेश्चन टू है, कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली, वीकली, मंथली और शॉर्ट जीके जीएस ट्रिकी वीडियोस के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।